अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खुश हैं, मज़े में हो, बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब यहाँ पर ठीक है। तो एज़ यूजुअल यहाँ पे कट रहा है जी, ड्राई फ्रूट्स इनटेक के बाद वाटरमेलन कट रहा है और यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ इसे। और साथ साथ बन चुका है नाश्ता। नाश्ते में मैंने बनाया है तुराई और अंडे, और इसके साथ रोटियाँ बन रही हैं। बच्चे यहाँ पर फ्रूट्स खाने के बाद कुछ पेंटिंग या कुछ ड्राइंग करते बैठे हैं। नाश्ता ख़त्म होने के बाद हम आ गए थे जी मैक्स, मुझे कुछ ख़रीदना था और हमारे यहाँ कुछ ओकेजन है, आपको पता चल जाएगा आने वाले व्लॉग्स में। तो इसके लिए मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट ख़रीदने थे, तो मैं यहाँ पे आ गई थी। घर वापस आने के बाद मैं तैयार हो गई हूँ, यहाँ पे सब तैयार हो गए हैं, हम लोग जा रहे हैं जी लंच पे। हमें एक दावत हुई है, लंच पार्टी पर जाना है, तो फैमिली फ्रेंड्स हैं तो उनके यहाँ पर जाना है, तो मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ। और आप सबसे कुछ बात करनी थी। बात यह है कि मुझे एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज मिला है, जो है कि एक चैनल है जेडिनी बैठक, उन्होंने मुझे बहुत ही प्यारा सा एक मैसेज दिया है। मैंने उनका वीडियो देखने के बाद एक मैसेज लिखा था, मैंने क्या लिखा था और मुझे उन्होंने क्या कहा है। वो मुझे बेटी कहते हैं। अंकल जी थैंक यू सो मच। उनके चैनल का नाम है जेडिनी बैठक। आप आगे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, उनके वीडियो को ज़रूर देखें, उनके चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। बेटियों के लिए इतनी प्यारी दुआ देते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपने अल्फाज से किसी के दिल को छू लो और वो आपको बेटी कहें, बहुत बहुत बड़ी बात होती है। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इस तरह के वीडियोस देखने को मिल रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अंकल जी थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की कि मुझे इस तरह के वीडियोस देखने को मिलते हैं, इस तरह के रिश्ते मिले हैं, जो बहुत अच्छा लगता है। बहुत फादरली हैं, बहुत ही ज़्यादा, जैसे एक वालिद अपनी बेटी को दुआ देते हैं उस तरह से देते हैं। तो आप ज़रूर चेक करें इनके वीडियोस को, मैं आगे पोस्ट करूंगी कि वो क्लिप में अंकल ने क्या कहा है जी। अब आप उस वीडियो को देखिए, मैं मिलूंगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग के साथ। तब तक टेक लोड्स एंड लोड्स ऑफ केयर। अब मुझे आप लोग इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। दोस्तों आज ना व्लॉग शुरू कर सा और उसने विच वही दो गल्ला के, एक तो थोड़ा जा मैं एक मेरे बड़े प्यारे सब्सक्राइबर ने, मेरी बड़ी प्यारी जी बेटी है, उन्होंने कल मैं जिस वक्त जिक्र किया सा कि एक मेरी प्यारी बेटी वो शी बिलोंग्स टू बेंगलोर इंडिया, तो वो बड़िया अच्छिया गल्लां करनी, तो बड़े मेरे छोटे जे दो लफ्ज बोलने नाल उन्होंने एक आज बहुत खूबसूरत मैसेज किया। तो मैं चाहसा कि पहले मैं अपनी उस बेटी ने तुसा की मैसेज पढ़ के दसा, भी क्योंकि आज मेरा जेड़ा टाइटल है, थम टाइटल, नेल थम टाइटल जेड़ा वो है खूबसूरत अल्फाज का चुनाव। यानी जिस वक्त तुसा किसी ने हक विच अच्छे अल्फाज बोल सो तो उसना जवाब तुसा की किस तरह मिलसी, और अगर तुसा थोड़ा जा लहजा तल्ख कर सो तो तुसा की अगे जवाब किस तरह मिलसी, वो मैं एक शेर नाल तुसा नाल मुखातिब कर सा कि दिल चीर के रख देता है, दिल चीर के रख देता है लहजे का रूखापन, जुबान वो कुछ करती है जो तीर भी नहीं करते। मेरी बड़ी प्यारी बेटी है जी, नोश व्लॉग्स हैप्पी फैमिली, शी बिलोंग्स टू इंडिया बेंगलोर। उनको जिस वक्त मैंने कल दो अल्फाज कह के मुखातब किया तो उस मेरी प्यारी बेटी ने मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे अल्फाज में कमेंट्स किए। मैं चाहूँगा कि पहले मैं वो आपको कमेंट्स पढ़ के दिखा दूँ। मेरी बेटी कहती है, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, माशाअल्लाह अंकल जी आप बहुत जिंदा दिल हैं, जिंदा दिल हैं, वही हमारे लिए एक बेहतरीन कंटेंट है। यानी मैंने कल कहा था कि मेरा जो मेरे पास कंटेंट नहीं है, तो उसने उन्होंने कहा है कि बेहतरीन कंटेंट है, एंड पीपल लाइक यू आर वेरी फ्यू इन अवर सोसाइटी हु टॉक द ट्रुथ, यू मेक अस लाफ, एट द सेम टाइम यू टीच मॉरल
थ्रू योर ब्यूटीफुल स्टोरीज लतीफाज। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग अबाउट मी एंड आई एम श्योर इट वॉज मी। वेरी ब्यूटीफुल ए टू जेड स्क्रिप्ट, आई थॉरली इंजॉयड। मे अल्लाह ब्लेस यू एंड गिव यू ऑल द ब्लिस। थैंक यू वेरी मच नोश व्लॉग्स, हैप्पी फैमिली। बेटा थैंक यू वेरी मच, आपके इन खूबसूरत कमेंट्स की वजह से आज मैंने जो अपने वीडियो का या अपने व्लॉग का टाइटल रखा है वो है खूबसूरत अल्फाज का चुनाव। मेरे दो लफ्ज़ों पे आपने इतना खूबसूरत मुझे मैसेज किया, आई रियली सल्यूट यू मेरा बेटा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह आपको कामयाबियाँ अता फरमाए। और मैं अपने तमाम व्यूवर्स, अपने तमाम दोस्तों से, अपने तमाम बहनों से गुजारिश करूँगा कि नोश व्लॉग्स हैप्पी फैमिली बहुत प्यारा ये काम कर रही हैं, ये कुकिंग का भी काम करती हैं और डेली रूटीन का भी जो है ना वो उनके व्लॉग्स होते हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इनके चैनल पे ज़रूर जाएं, इनको सपोर्ट भी करें, इनका चैनल सब्सक्राइब भी करें और इनकी अच्छी अच्छी वीडियोस भी दें। बेटा जी ये आप पे एहसान नहीं है, आपके खूबसूरत अल्फाज की वजह से मुझे ये कहना पड़ा कि मेरी इस बेटी के साथ आप पूरा तावन करें। उम्मीद है आप सब जिस तरह परसों के वीडियो में भी मैंने मामा जी के मुतल्लिक कहा था कुकिंग विद मामा जी, तो बहुत खूबसूरत कमेंट्स आपने दिए, बहुत प्यारे उनके पोते की मुबारकबादें दी, तो उनका भी आज मैसेज आया हुआ था, वो भी शुक्रिया अदा कर रहे थे। मैं चाहता हूँ कि हम YouTube फैमिली वाले एक दूसरे का इसी तरह ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबियाँ हमारा कदम चूमेंगी। तो इस बाबे ना भी ख्याल रखना है, माड़े चैनल की भी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें ताकि मेरा होर हौसला वधना रवे तो मैं तुसां नाल अच्छी अच्छी चीज़ां शेयर करना रह सकां। बड़ी मेहरबानी जी, अल्लाह पाक तुसां सारे की खुश रखे। तो वो जिस तरह मैं शेयर पढ़िया सी उस शेयर नहीं मुनासबत नाल मैं दो लफ्ज़ तुसां नाल सिर्फ कह सकां कि अल्फाज जड़े लफ्जा ना चुनाव इस तरीके नाल करना चाहिए ना कि अगले बंदे ना दिल ना तोड़ो, क्योंकि एक लफ्ज़ बोलने ला लफ्ज़ ऐसी चीज़ है, ज़बान तू निकलिया होया लफ्ज़, तीर कमान चू निकलिया होया तीर तो बंदूक चू निकली हुई गोली बंदे की। बिल्कुल तुसाने अच्छे अल्फाज नाल अगले ना दिल खुश हो जासी, तुसाने एक छोटे जे लफ्ज़ नाल उस बंदे ना दिल कितना दुख सी। लिहाजा लफ्ज़ ही रोते हुए को हंसा देते हैं, लफ्ज़ ही रोते हुए को हंसा देते हैं, लफ्ज़ ही हंसते हुए को रुला देते हैं। कभी किसी को इन अल्फाज से ना याद करो कि अगले को रोना आ जाए। लफ्ज़ ही बोलने पर मजबूर करते हैं, लफ्ज़ ही खामोश भी करवा देते हैं, लफ्ज़ ही दिल को चीर देते हैं, लफ्ज़ ही दिल को जीत लेते हैं। मेरा आज का पैगाम उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह आप सब का हामी नासर रहे, जहाँ जहाँ भी रहें खुश आबाद रहें। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, जरा कल मैंने कहा था कि जेड ज़रूरत आपकी दुआओं की। पाकिस्तान जिंदाबाद।